नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैद्यनाथ फार्मा के अर्जुन अरिष्ट के बारे में जानकारी लेंगे, इसके फायदे नुकसान, इसे कैसे लेना है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों अर्जुन अरिष्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। इस दवा में मुख्य तत्व के रूप में अर्जुन के पेड़ की छाल या टर्मिनेलिया अर्जुना होते हैं जो एक शक्तिशाली कार्डियो प्रोटेक्टिव है। 114 रुपयों में 220 ml की ये अर्जुन अरिष्ट बोतल आपको सभी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप्स में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अर्जुन के अलावा इसमें और भी इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जैसे मधुकर, द्राक्षा, धातकी और गुड़। अर्जुन अरिष्ट में फ्लेवोनाइड्स, टैनिन और खनिज होते हैं जो एंटी ऑक्सीडेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी और लिपिड को कम करने वाले गुण देते हैं। अर्जुन अरिष्ट किसी भी प्रकार के दिल के रोग से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद एक लिक्विड दवा है। इस आयुर्वेदिक दवा का उपयोग सीने में दर्द, रक्तचाप, हार्ट फेल, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, दिल में ब्लॉकेज, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी आदि से पीड़ित लोगों के लिए किया जा सकता है। इसके साथ इसका उपयोग अस्थमा, पुरानी ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसे पुराने श्वसन रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह फेफड़ों के टिश्यों को मजबूत करता है और फेफड़ों की क्षमता को सुधार करता है। यह एक एंटी एलर्जी प्रतिक्रिया भी पैदा करता है और अस्थमा को रोकता है। दोस्तों अगर हम इसके डोसेज की बात करें तो 15 से 20 ml दवा समान मात्रा पानी में गुनगुने पानी या सादी पानी के साथ आप इसे खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्भावस्था में स्तनपान कराने वाली माताओं में और मधुमेह के रोगियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को मतली, उल्टी, पेट में गैस बनना या दस्त जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों अर्जुन अरिष्ट का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।